मूर्ति लगी हुई है। उगांडा के नीलगिरी में बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है विश्व में, इसलिए इनको न भूले हमारी पूरी, इसलिए हम इससे जुड़े हुए हैं और निरंतर हर शनिवार को आते हैं। लोगों से यही कहते हैं कि इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ताकि ये संस्था जो काम कर रही है उनकी सभी भागीदारी होनी चाहिए, किसी किसी का कार्यक्रम नहीं है, ये सब का कार्यक्रम है। इसी के साथ हम स्वच्छता का भी अभियान चलाते हैं, अपने हाथों से प्रांगण को साफ करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद फूलों से हर्षण वर्षण करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, इसके बाद जनगणमन नायक का गीत राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, इसके बाद महात्मा गांधी की आरती होती है, आरती के पश्चात आदि पूजन होता है। अभी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने हमारी संस्था के द्वारा बहुत बड़ा भंडारा किया गया था जो 10 बजे से प्रारंभ जी। परिचय देते हुए ये बताइए कि 2 दिन पहले 2 अक्टूबर था, इस 2 अक्टूबर के दिन क्या खास किया आपने? आपको जन्मदिन का जन्मदिन मनाया जी, जैसे किसी के घर में बच्चा होता है तो उसकी खुशी मनाई जाती है, हम लोग जन्मदिन मनाने के बाद जो और दो और एक साथ हजारे का वो आगे देखा देखा जा रहा है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो एंड्रॉयड सेट हो गया, मोबाइल हो गया, काफ़ी इसमें व्यस्त हो गए, पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार उससे कभी नहीं खत्म हो सकता, चाहे जितनी भाषाबाजी हो चाहे जितनी भाषाबाजी जब तक होगी इन्हें जब तक ये चीज नहीं खत्म होगी भ्रष्टाचार क्या खत्म हो सकता है, ना स्वच्छता पाएगी। मोदी जी का कहना है स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, जो कि आप लोग उनके रास्ते पे चल रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के, हमारे जो भारतवासी हैं वो कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हमको पहली चीज़ तो किसी पार्टी के लीडर से कोई धारणा नहीं करनी चाहिए, अगर पार्टी का लीडर अच्छी बात कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए और गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, यही जास्ती यही असली जागरूकता है और यही राजनेता महात्मा गांधी ने देश को संदेश दिया था और पूरी विश्व को यही संदेश दिया था। अगर वो अच्छा करें तो हमको अच्छी बात कहने में कब रहेगी, अगर एक प्रधानमंत्री 1 मिनट के लिए भी झाड़ू लगा सकता है वो डेली नहीं लगा सकता, लेकिन अगर 1 मिनट के लगा सकता तो हम लोग 1 घंटा तो लगा ही सकते हैं दिन में। अब इसके लिए कोई हम पार्टी के भक्त या पार्टी के गुलाम नहीं है, ना पार्टी का कोई विरोध है, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सबका, अगर वो गलत करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। देखा जा रहा है कि हमारे देश में पॉलीथीन बंद हो गई है, इसका कहाँ तक के आप समर्थन करते हैं? देखिए पॉलीथीन तो बहुत पहले बंद होना चाहिए था, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं बंद हुई है, जब तक और शक्ति नहीं होगी और जागरूकता हमारे आप में नहीं आएगी। हम लोगों ने तो उसके लिए 50,000 मिट्टी के प्याले यहाँ शहर में बांटे कि पॉलीथीन बंद कर दी जाए, और पॉलीथीन का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग और सबसे ज़्यादा शरीर पर नुकसान चाय के ही वजह से होता है, क्योंकि चाय गर्म होती है, गर्म में हर चीज़ टिक जाती है और वो खुले आम आज भी चली है। परिचय देते हुए बताना कि ये जो हर शनिवार को जयराम सेवा संस्थान द्वारा यहाँ गांधी जी की प्रतिमा को स्वच्छ बनाने का जो अभियान चल रहा है इसमें आप कितना समर्थन करते हैं? मेरा नाम सुजीत कुमार शर्मा है और जब 3 वर्ष पूर्व यह कार्यक्रम शुरू हुआ उस दिन से आज तक मैं इस कार्यक्रम का सहभागी हूँ और मेरे लिए यह बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि मैं इस पूर्ण कार्य में सहभागी बनता हूँ। 3 साल से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक के आपने कितने लोगों को इसके बारे में बताया और कितने लोगों को इस संस्था से जोड़ा है? मेरी सबसे पहले कार्य होता है कि जो भी काम मैं करूँ चाहे वो मेरी संस्था द्वारा किया जाए या मेरे स्वयं द्वारा, उसमें लोगों को सहभागी बनाना, अधिक से अधिक लोगों तक मैसेज को पहुंचाना, क्योंकि आज फेसबुक सोशल मीडिया और इन सब चीज़ का इन सभी माध्यमों के माध्यम से मैंने काफ़ी लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने का कार्य किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। तो इसका क्या समाज में क्या दिख रहा है, कितने लोगों आपके माध्यम से? व्यापक असर हो रहा है और जहाँ जहाँ तक हमारा ये संदेश पहुँच रहा है लोग हमसे जुड़ रहे हैं, यही कारण है कि आज संस्थान के पास चित्रकूट से भी व्यक्ति आते हैं, आज संस्थान के पास झांसी से भी व्यक्ति आते हैं चल करके, हमारे शनिवार के प्रोग्राम में बहुत दूर दूर से लोग चल करके आते हैं और इस कार्यक्रम